हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे जिंजर पाउडर। जिंजर पाउडर बनाने के लिए हमने अदरक ली है, जिंजर ली है और उसे 2 से 6 घंटे तक भिगो के रखना है। उसमें मिट्टी होती है, वो पानी में भिगो के रखना है ताकि वो मिट्टी पूरी निकल जाए। उसके बाद उसे सुखा लेना है, पूरा पानी निकाल लेना है, छन्नी में निकाल के सुखा लेना है। सूख जाने के बाद उसे पोटैटो चिप्स जो बनाते हैं उसमें खमणी कर लेना है। अगर आप पोटैटो चिप्स में खमणी करते हैं तो उसकी पतली बनती है, इसलिए हम पोटैटो चिप्स बनाते हैं जो उस खमणी में खमणी कर देंगे। और ये बिल्कुल बारीक होती है इसलिए जल्दी सूख जाती है। और धूप में रखना है, धूप में 4 से 6 दिन लगते हैं इसे सुखाने में। और दूसरे दिन टर्न करना है, अगर टर्न नहीं करेंगे तो इसकी स्मेल अच्छी नहीं रहेगी। आप एक साइड से सूखेगी और दूसरी साइड से नहीं सूखेगी और स्मेल भी अच्छी नहीं रहेगी, इसलिए उसे टर्न करना है। और आप ऐसे खमणी भी कर सकते हैं, खमणी करके भी आप ऐसे सुखा सकते हैं। और आपको छीलना है अदरक को तो छील सकते हैं, नहीं छीलना है तो भी ठीक है। मैंने नहीं छीला है, पहले छीलती थी मगर बहुत देर लगती थी और 8-10 किलो मेरे को बनानी होती है पूरे साल की, इसलिए मैं अब नहीं छीलती और तो भी अच्छी बनती है। आप ऐसे खमणी भी बना सकते हैं और फिर ऐसे फैला देना है प्लास्टिक पे या फिर डिश में। ऐसे छोटे छोटे पीसेस बना के आप चॉपर में डाल के और उसे पीसेस बना के और वो भी आप सुखा सकते हैं। आप थाली में भी सुखा सकते हैं और प्लास्टिक पैक भी सुखा सकते हैं, मगर ढक कर रखना है। धूप में आप जब भी रखें तो धूल मिट्टी नहीं जानी चाहिए उसमें, इसलिए ढक कर रखते हैं। ऐसे चॉपर में बना देते हैं। चॉपर में ऐसे करके फिर फोक से ऐसे निकाल लेंगे। चॉपर में जो बर जाएगा ऊपर से वो हम फोक से हम निकाल लेंगे और ये ऐसे फैला देंगे। इसकी बारीक पीसेस होते हैं, ऐसे ऐसे फोक से ऐसे निकाल लेना है। ऐसे जो फंस जाते हैं इसके हेयर होते हैं जिंजर के, जो वो इसमें फंस जाते हैं उसे निकाल लेना है फोक से ऐसे। और ये हमने धूप में सुखाने के लिए प्लास्टिक पे रखी है और टर्न करते रहना है और शाम को नीचे लेके आना है, फिर सुबह को उसे धूप में रखना है क्योंकि शाम को ठंडी होती है और बेस भी होता है तो गीली हो जाती है, इसलिए शाम को फिर नीचे लेके आना है। ये सूख गई है, फिर मैंने अच्छी सी धूप देने के लिए इसे बड़े से स्टील के बाउल में रखा है और ये थाली में रखा है, वो थाली में ढक कर रखना है। ऐसे चिप्स बना के मैंने थाली में ढक कर रखे हैं। और चिप्स जो बनाते हैं उसका पाउडर, जिंजर पाउडर ज़्यादा बेटर रहता है, ये भी जल्दी सूख जाता है और वो भी जल्दी सूख जाता है। 5-6 दिन इनको भी लगते हैं, चिप्स को भी, और जो चॉप्ड कर देते हैं पीसेस में उसको भी 5-6 दिन ही लगते हैं, मगर वो इजीली हो जाता है। चॉप्ड जो करते हैं चॉपर में वो इजीली हो जाता है, इसमें चिप्स जो बनाते हैं उसमें थोड़ा हार्डली होता है। और ये अब मिक्सर ग्राइंडर में डाल के फाइन ग्राइंड कर देंगे 4 मिनट और फिर छानेंगे। 2 छलनी में छानेंगे, एक को मैदे की छलनी में और दूसरी आटे की छलनी में। मैदे की छलनी में बिल्कुल बारीक हो जाएगा पाउडर और फिर उसे आटे की छलनी में डाल देंगे तो थोड़ा मोटा सा हो जाएगा, वो सब्जी और इसमें डालने में काम आता है। और ये बिल्कुल बारीक होता है, किसी में भी बारीक पाउडर चाहिए तो उसमें काम आता है। और बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लेना है। छलनी में जो बाकी बचता है वो भी फेंकना नहीं है, वो चाय में यूज़ कर सकते हैं। ये जिंजर पाउडर साल भर ख़राब नहीं होता, आप फ्रिज में रख सकते हैं, ऐसे ही बाहर रख सकते हैं, प्लास्टिक में रख सकते हैं, कांच जार में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। ये ग्राइंड फाइन करने के बाद हमने दोनों छलनी में छान लिया है, पहले मैदे की छलनी में फिर आटे की छलनी में हमने छान लिया है। तो ये हमारे रेडी हो चुका है जिंजर पाउडर।
तो ये हमारा रेडी हो चुका है होममेड जिंजर पाउडर।